आज का जजमेंट ये प्रूव करता है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है कि हिंदुस्तान में जो हमारा सिस्टम पुराना चलाया हुआ है उसमें कोई भी वल्गरनेस नहीं आए। एक्चुअली बहुत डिसअपॉइंटमेंट तो है ही है, क्योंकि मैं सोच रही थी, मुझे नहीं लगा कि राइट टू मैरी होगा इतनी जल्दी, पर मुझे लगा कि सिविल राइट ज़रूर कहीं ना कहीं लोगों को मिलेगा। जीत आम जनता की हुई है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है आम जनता की है, वहाँ इलेक्टेड आदमी ही जाते हैं और वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं जो वो चाहते हैं। जिस चीज़ के बारे में हम लोग सोच रहे थे वो तो हुआ नहीं ना, और वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और अब देखिए वो जो कमेटी की बात भी कर रहे हैं, कमेटी बैठेगी, फिर जो दूसरे राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए, सिविल राइट्स के लिए इन्होंने वो भी टच नहीं की। इससे फ़ायदा ये हुआ, जो कुछ एलिमेंट इस तरीके का माहौल ख़राब करना चाहते थे आज उन पर फुल स्टॉप लग गया है। इस तरीके की जो कई बार जो हमारी कुछ फॉरेन पावर्स जो इंडिया को डेवलप होने से रोकना चाहते थे, हमारी जो सोसाइटी हमारा जो सिस्टम को ब्रेक डाउन करना चाहते थे, आज उनको बहुत धक्का लगा है और हमारी ट्रेडिशंस कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन ये तो अधिकारों का मामला है, ये कह रहे थे अधिकार, और कोर्ट ये कह रहा है कि भाई इनका अधिकार तो है लेकिन वो अधिकार देने का काम संसद करेगी, हम नहीं। हाँ, यही इसीलिए जो ये कहते थे कि हम कोर्ट से करा लेंगे, आज उनको पता चल गया है कि हिंदुस्तान की भी कोर्ट जो हमारा जो सिस्टम को चेंज करने के लिए नहीं है, हमारी सुप्रीम कोर्ट भी जो हैं वो ये मानती हैं कि कानून बनाने का, कानून को अमेंड करने का अधिकार भारत की संसद को है आज, और भारत सरकार का भी यही था। तो आज जीत आम जनता की हुई है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है आम जनता की है, वहाँ इलेक्टेड आदमी ही जाते हैं और वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं जो वो चाहते हैं। सेम सेक्स मैरिज को रिकग्नाइज नहीं किया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं, और आज का जजमेंट ये प्रूव करता है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है कि हिंदुस्तान में जो हमारा सिस्टम पुराना चलाया हुआ है उसमें कोई भी वल्गरनेस नहीं आए, उसमें कोई चेंजेज नहीं आए, और कानून को बदलने का अधिकार केवल भारत की पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट जो आम जनता की है, वहाँ इलेक्टेड आदमी ही जाते हैं और वही आवाज़ जो है वो जो है इम्प्लीमेंट होगी जो आम जनता मेजोरिटी से चाहती है। अगर किसी को अमेंडमेंट कराना है तो वो पार्लियामेंट में अपने एमपीज के थ्रू बिल रखाए और उसको पास कराए। सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीज़ों को कोई रिकग्नाइज नहीं करेगी, कोई इस चीज़ को इजाज़त नहीं देगी जिससे समाज बढ़ता हो, वल्गरनेस आता हो, जो हमारा पुराना जो हमारी सभ्यता है उसको उन्होंने मेंटेन रखा है। नेचुरली बहुत डिसअपॉइंटमेंट तो है ही है, क्योंकि मैं सोच रही थी, मुझे नहीं लगा कि राइट टू मैरी होगा इतनी जल्दी, पर मुझे लगा कि सिविल राइट ज़रूर कहीं ना कहीं लोगों को मिलेगा, वो भी नहीं हुआ। शायद एक चीज़ जो हुई है, इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा अच्छे से डिफाइन किया है, उसमें चेंज लाए हैं, पर नहीं तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है और रहेगा कम्युनिटी वालों के लिए भी बहुत डिसअपॉइंट। जिस तरीके से कहा गया कि शादी का अधिकार नहीं है, जो भी सिविल राइट्स हैं वो किसी कानून के तहत ही इनैक्ट हो सकते हैं, बस तीसरी बात है कि ट्रांससेक्सुअल जो है वो मेल या फीमेल से शादी कर। हाँ देखिए, ये ट्रांस का तो पहले भी था, पर ये अभी अच्छे से क्लैरिफाई हो गया है कि जो ट्रांस हैं वो मेल को भी मेल के साथ भी शादी कर सकते हैं, सिसजेंडर के साथ भी और ट्रांस के साथ भी। तो एक तरीके से एटलीस्ट ये बहुत ही क्लियर हो चुका है, पर जिस चीज़ के बारे में हम लोग सोच रहे थे वो तो हुआ नहीं ना, और वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और अब देखिए वो जो कमेटी की बात भी कर रहे हैं, कमेटी बैठेगी, फिर जो दूसरे राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए, सिविल राइट्स के लिए इन्होंने वो भी टच नहीं किया, तो नेचुरली दुख तो हो रहा है सबको। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एडॉप्शन का राइट दिया था, लेकिन उसके बाद जो है डिसेंट हो गया है, डिसएग्रीमेंट हो गया है, तो उसमें क्या लगता है कि आगे कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीद पे तो हम लोग कायम है ना, इसलिए हम लोग पता नहीं कब से लड़ाई कर रहे हैं और करते रहेंगे। एडॉप्शन को भी लेके
इस बार ये लोग कुछ कर सकते थे, ये भी नहीं हुआ। जो चीफ जस्टिस ने कहा वो उन्होंने बहुत अच्छे से कहा, अडॉप्शन के बारे में बहुत सोच समझ के कहा था। तो डिसअपॉइंटिंग है कि दूसरे जजों ने अग्री नहीं किया, पर आगे चल के होगा, ये नहीं नहीं होगा, पर वही है कि कब होगा और हर चीज़ में इतना टाइम लग रहा है। और अभी तक हम इस देश में डेमोक्रेसी है और हम लोग अपने ही सिटीजन्स को बेसिक राइट्स डिनाई कर रहे हैं, तो अब क्या कहें इसके आगे। हाँ, तो अब पार्लियामेंट के हाथ में जो भी बात आ गई है वो पता नहीं कब होगा, कैसे होगा। पर मुझे लगता है कि एक तो ये चीज़ है, पर दूसरा ये टाइम जो है हमारा, हम लोगों के साथ भी कन्विंस करें, कोशिश करें, बात करें कि कम्युनिटी, सोसाइटी में भी चेंज लाने की बहुत ज़रूरत है।